हाँ रहा ठीक अब और अच्छा आ रहा था, बीच में खरखर कर रहा था, बीच बीच और अब नॉर्मल है सर, उतना नहीं आप हो पाएगा कि 100% क्लियरिटी रहेगी। सर ठीक है सर, अच्छा है, स्क्रीन आया। अभी नहीं है सर। हाँ अब लगता है कि आएगा। आ गया सर। ठीक है, ठीक है, फिर आज पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है सर। कुछ आइडिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? सर इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट में शायद जो सुपर और सब क्लास होता है सर, तो सब क्लास का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, और इंटरफेस में शायद इंप्लीमेंटेशन होता है सर। क्लियरिटी मुझे नहीं है सर, ऐसा कुछ होता है कि आपका जो सुपर क्लास है उसका केवल लॉजिक लिखा जाता है, और एक में लॉजिक नहीं लिखा जाता है, केवल उसका वे कुछ डिक्लेयर किया था बस हमको, लेकिन क्लियरिटी नहीं है सर। एक में इंप्लीमेंट होता है और एक में एक्सटेंड होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करो, ठीक है? ऐसा मान लो कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है? वेयर वी आर क्रिएटिंग अ क्लास, क्रिएटिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन डिफरेंट आइटम्स, ठीक? तो हम लोग क्या करेंगे? हमको एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि अलग अलग टाइप के चीजों का, ठीक है, टैक्स कैलकुलेट करके देगा, ठीक? अब हाँ देखो सर। क्या है, टैक्सेशन रूल्स वेरी, है ना, ठीक? किसी में परसेंट जैसे के, सर हाँ अभी सर जानते हैं, जैसे कि हम लोग करंट रेट में से काम कर रहे हैं ना, तो वे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है कि ना, यूएस के डिफरेंट लोकेशन का हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, तो उसमें प्रीमियम कैलकुलेशन होता है। तो उसमें क्या हुआ है सर ना, कि कुछ स्टेट का आपका रूल चेंज हो गया है, टैक्स का कैलकुलेशन आपका चेंज हो गया है, तो जितना आपका उसका कोड था उसमें सब में टैक्स कैलकुलेशन का जो डिफरेंट लॉजिक था वो चेंज होकर कि आप डिफरेंट लॉजिक के जो नया लॉजिक है उसको इंप्लीमेंट करना है हर जॉब में, ठीक है। अब देखो, वे चेंज हो गया। कुछ इस टाइप का सिस्टम हो सकता है, दिख रहा है ना? अब टैक्सेशन के रूल्स तो अलग अलग हैं, तो कहीं पे परसेंट बेस्ड हो सकता है, मे बी 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। कहीं पे क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, ठीक है, हाँ सर आता है। हाँ मिनिमम फिफ्टी उन रुपीज आपका है, 10% फिक्स अमाउंट होता है। हाँ फिफ्टी फिक्स अमाउंट परसेंट हो होता है गया, सर। प्लस मान लो कि आगे का जो भी है उस पे 8% है, ठीक है। हाँ एक सर। टैक्स स्लैब होता है, ठीक है, 0 से 1000 तक मान लो कि 2% है, ठीक है, 1001 से लेके 2000 तक 5% है। इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रूल्स अलग अलग हैं, ठीक। हाँ सर। अच्छा, हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि अलग अलग कंडीशन होते हुए भी इसका कैलकुलेशन प्रॉपर्ली कर दे, ठीक। हाँ तो सर। ऐसा सिस्टम है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? अच्छा देखो, अब हमने एक सिंपल सा सिस्टम शुरू किया, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, देखो। ठीक है, और
ये है ठीक। अब लेट्स से अभी हम लोग पेप्सी बेच रहे हैं ठीक, तो हमने पेप्सी नाम का एक क्लास डेवलप किया, क्या रखा उसका नाम, रखा क्लास पेप्सी। तो पब्लिक क्लास पेप्सी, और इसके अंदर में कुछ चीज बनाएंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस सॉरी नेम ठीक है, प्राइवेट इन प्राइस, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, इंसर्ट कोड इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो डन, टू स्ट्रिंग मेथड हो एक गया। टू स्ट्रिंग आ गया। अब हमने एक फंक्शन बनाया ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी यहां से रीड कर लेंगे, और दिस डॉट क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी इस मेथड को रीजनरेट कर देंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा। इंसर्ट कोड टू स्ट्रिंग, टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया पब्लिक डबल गेट टैग्स ओके। अब यहां पे लिख दिया रिटर्न, जो भी टेक्स्ट कैलकुलेशन का फॉर्मूला है ठीक है, रिटर्न इफ क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू टू, दो तक का मानते हैं कि फ्री है, तो यहां तक है तो रिटर्न जीरो ठीक, एल्स रिटर्न अगर 10% है तो ये हो जाएगा क्वांटिटी इनटू प्राइस डिवाइड बाय 10, तो ये 10% पर प्रोडक्ट हमारा निकल आएगा ठीक है। यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा टैक्स कैलकुलेटर, ठीक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पेप्सी P1 एक सेल हुआ इज इक्वल टू न्यू पेप्सी ठीक है। अब इसका जो भी बॉटल रहा कितने का आता है पता नहीं, 100 ml मान लेते हैं, फॉर 10 rupees, और 3 वीक का ठीक। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन P1 डॉट गेट टैग्स, अब इसको अगर हम यहां से प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट आ जाएगा इसका ₹3 टैक्स हुआ ठीक है। क्यों ₹3 टैक्स हुआ, क्योंकि ₹30 हुआ था, और ₹30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ₹3 आएगा ठीक है। क्वांटिटी अगर हम 2 कर देते तो ये 0 आता,
ठीक है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा सामान रखना है तो हम पेप्सी प्रोडक्ट्स का एरे बना सकते हैं, सेल्स का। पेप्सी सेल्स इज इक्वल टू न्यू मान लेते 3 आइटम्स है, तो सेल्स 0 सेल्स 1 एंड सेल्स 3 और सेल्स 2, ठीक है। यहाँ पे 3 सेल किया गया। अब देखो, टोटल टैक्स इक्वल टू 0, एक लूप चला के हम फॉर पेप्सी पी इन सेल्स टोटल टैक्स प्लस इक्वल टू पी डॉट गेट टैक्स, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ठीक टोटल टैक्स इक्वल टू परसेंटेज स्लैश एन और हो गया टोटल टैक्स। ये हमारा टोटल टैक्स निकल आएगा, 9 रुपीज आए। अब पॉइंट क्या है कि इसके अंदर में हमने एक फंक्शन बना लिया गेट टैक्स, ठीक है। जितना भी सेल होगा वो सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक एरे में रख देंगे पूरे ऑब्जेक्ट्स को, और उसके बाद लूप चला के उसको टोटल करके हम चाहें तो उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेशन का काम हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पेप्सी की जगह कुछ और भी होता है, ध्यान से सुनना, अगर ये पेप्सी की जगह कुछ और भी होता और हमारे पास एक पूरा माने सभी के अंदर में एक गेट टैक्स नाम का मेथड होता हर प्रोडक्ट सेल्स में, राइट। तो हम सिंपली गेट टैक्स को कॉल करते हैं, ठीक है, और जो भी आउटपुट आता है उसको लेके हम टोटल कर देते तो निकल आता टैक्स, समझ रहे पॉइंट। हाँ, मतलब कि गेट टैक्स आपका रियूजेबल बन जाएगा। अगर ये गारंटी ले लिया जाए, ओके, अगर ये हमको हमारे सॉफ्टवेयर को बता दिया जाए कि जब भी कोई मेथड बनेगा, कोई प्रोडक्ट सेल होगा, तो उस प्रोडक्ट के अंदर में एक टैक्स नाम का मेथड या तो गेट टैक्स नाम का मेथड हमेशा ही रहेगा, ठीक। अगर ये गारंटी हमको दे दिया जाए तो हम हर जगह पे सिंपली उसको कॉल कर देंगे और जो भी आउटपुट आएगा उसको टोटल कर दिया करेंगे, ठीक है। इजी इजी सा काम है, जिसको हमने टू स्ट्रिंग में कॉल कर आपका दिया, ठीक रिजिबिलिटी रहेगा, बार बार कोड भी नहीं लिखना रहेगा सर। है। तो हम एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बना सकते हैं जो कि लूप लूप करेगा और सारे उसको उठा के प्रिंट कर देगा और टोटल भी कर देगा। अब पॉइंट क्या है कि हमको ऐसा करना है कि यूजर से को समहाउ फोर्स करना है कि जो भी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स का क्लास बने, हर प्रोडक्ट क्लास में ये मेथड का होना जरूरी है, राइट। हाँ, होना जरूरी है सर। अगर ये मेथड रहेगा तो हमारे आइडिया चल सकता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यही है, एब्स्ट्रैक्ट अच्छा। क्लास का कॉन्सेप्ट ये है कि हमको एक पर्टिकुलर मेथड या मोर देन वन मेथड हमको चाहिए होता है,
और आगे बनने वाले जितने क्लासेस हैं हम उनको फोर्स करना चाहते हैं कि ये मेथड उनको बना के देना ही पड़े. ओके द सेंट्रल आइडिया ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इज टू फोर्स एवरीवन टू मेक अ मेथड विद द रिक्वायर्ड सिग्नेचर. एवरीबॉडी हैज टू मेक इट. जब तक वो नहीं बनाएगा हमारा क्लास कंपाइल नहीं होगा. ठीक है. अब देखो हम यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, स्टेप वाइज बनाएंगे, तो ध्यान से देखना है. इस क्लास का नाम हमने रखा प्रोडक्ट. ठीक है. अब प्रोडक्ट नाम का एक्चुअली तो कोई क्लास होता नहीं है, कोई चीज होता नहीं है. जैसे है ना, पेप्सी होता है, डोसा होता है, जूता होता है, कार होता है, दोज आर प्रोडक्ट्स. ठीक है. देयर इज नथिंग एक्चुअली कॉल्ड प्रोडक्ट. प्रोडक्ट नाम का तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है. ठीक. सर प्रोडक्ट कॉमन नाउन है सर ना. हाँ, प्रोडक्ट तो ये जेनरिक नेम है, कॉमन नाउन है, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अब यहाँ पे हमने आगे लिख दिया पब्लिक डबल गेट टैक्स. ठीक. देखो इतना ही बना के हम छोड़ दिए. अब यहाँ पे ये मेथड मैंने बनाया था तो इस मेथड की हमने बॉडी बनाई थी. राइट. इसका मैंने बॉडी नहीं बनाया. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बॉडी नहीं होता है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता है. मिसिंग बॉडी मेथड, मेथड बॉडी और डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट. दिख रहा है ये. अब क्या है ना कि इफ अ मेथड डज नॉट हैव ए बॉडी देन आइदर आपको बॉडी बनाना है और आपको इसको एब्स्ट्रैक्ट बना देना है. ठीक है. तो यहां से आके अगर हम कहेंगे तो देखो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डबल. नाउ अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया. ठीक. ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो ऊपर में अगर देखो तब ये जो प्रोडक्ट है, अब एरर जो नीचे आ रहा था वो एरर अब क्लास के नाम पे आना शुरू हुआ है कि प्रोडक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. ठीक है. मतलब यस सर, अगर किसी मेथड का बॉडी नहीं है तो वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है. और किसी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होता है. ठीक है. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा. तो अब हमको यहां पे आके एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा. एरर दूर हो गया. ठीक. अब ध्यान देना है. ठीक ना. सारा कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा कोई क्लास नहीं बनना चाहिए जिसमें गेट टैक्स मेथड नहीं होना चाहिए. मतलब किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ऐसा एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए जिसमें कि गेट टैक्स नाम का मेथड नहीं होगा. ठीक है. हमको कोई प्रोडक्ट बेचना है, हम एक नया क्लास बनाएंगे. ठीक है. मान लो कि हमको कोई एक परफ्यूम बेचना है. ठीक है. लेट्स से इसका नाम है फॉग परफ्यूम. ठीक. पब्लिक क्लास फॉग परफ्यूम. अब इस क्लास पे यहां पे आके हमने पहले क्लास बना लेते हैं तो क्या रहेगा. प्राइवेट स्ट्रिंग. ठीक है. प्रोडक्ट नेम जैसे हम लोगों ने पहले बनाया था ये स्ट्रिंग है. देन प्राइवेट इंट प्राइस है. ठीक है. और प्राइवेट इंट क्वांटिटी, तीन चीजें. देखो इसका हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे. अच्छा यहां तक ठीक है मैटर. अब इस जगह पे आके हमने, ठीक है सर, यहां पे आके हमने लिख दिया एक्सटेंस प्रोडक्ट. जो हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था उसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया. ठीक है. अब देखो क्या हुआ. अब जो वहां पे एरर आ रहा था वो एरर यहाँ पे आना शुरू हो गया. ठीक है.
क्या बता रहे हैं? यस सर, ठीक है, फॉग परफ्यूम इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट टैक्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे हमने इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, तो जब भी एक्सटेंड करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जितने मेथड्स हैं आपको वो सारे मेथड्स बना के देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो इस मेथड को हमको यहाँ बना के देना पड़ेगा। अगर हम बना के नहीं देंगे तो जावा उस क्लास को कंपाइल होने नहीं देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आके हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो इसने इस मेथड को बना के हमारे लिए दे दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पर फॉग परफ्यूम 10 रुपया लगता है टैक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू क्वांटिटी, 10 इंटू क्वांटिटी। ठीक, तो पॉइंट क्या नोट करना है? पॉइंट ये नोट करना है कि जब तक हमने पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया तो हमारा जो क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया, तो जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया तो इसने हमको फोर्स किया कि आपको गेट टैक्स नाम का मेथड बना के देना ही देना है। ठीक, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम के मेथड को यस हमने सर। इसको बना के हम लोगों ने दे दिया। अच्छा, इंसर्ट कोड कर देते हैं तो स्ट्रिंग मेथड आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अभी देखना ध्यान से। सबसे पहले जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है हम उसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देखो क्या होता है। ये अलाउड नहीं है। देखो, प्रोडक्ट अच्छा, इज मेरा एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, तो अभी तक अगर कहा जाए तो क्या हुआ? ध्यान से देखो, नंबर वन या नंबर ए, ठीक है, मेथड्स विदाउट बॉडी आर एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नंबर वन। बी, क्लासेस विथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आर मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, किसी भी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। सी, क्लासेस दैट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक है, क्लासेस दैट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मस्ट डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, और बिकम एब्स्ट्रैक्ट। जो नया क्लास है या तो वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और या तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक, और डी जो अभी अभी आया, क्या आया? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस cannot be instantiated। ठीक है, मतलब we cannot create object। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ abstract class। अच्छा, अब आगे देखते हैं। product class में ये तो नहीं बना। अच्छा,
ये बन सकता है। देखो प्रोडक्ट हाँ सर, P1 इज इक्वल टू न्यू फॉग परफ्यूम, ऐसा अगर हम लिखे, ठीक है। हेलो, ऐसा हाँ तो ये अलाउड है, नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है, ये है। एक लिखना मिनट रुक अलाउड है। जाइए। हेलो। हाँ सर, सर हाँ, आ गया आ गया, अभी आया। ठीक है। यस सर। तो प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना था, लेकिन प्रोडक्ट क्लास में फॉग परफ्यूम जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है, इसका ऑब्जेक्ट हम बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ई क्या हुआ, ई हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन स्टोर, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेरिएबल कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वेरिएबल कैन स्टोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस दैट एक्सटेंड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अब ये पूरी चीज को ध्यान हाँ से सर। देखना एक बार, ठीक है। देखो, मेथड्स विदाउट बॉडी आर एब्स्ट्रैक्ट, रूल नंबर वन। क्लासेस विद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मेथड्स आर मार्क्ड एब्स्ट्रैक्ट, तो किसी भी मेथड का अगर बॉडी नहीं है तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। किसी भी क्लास में अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक्सटेंड कर रहा है तो या तो वो मेथड डिफाइन करेगा या तो वो खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, और कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसके एक्सटेंड करने हुए क्लास का, जैसे हमारे केस में फॉग परफ्यूम है, इसका ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, ठीक। ये सारे रूल्स मिला के ये चीज गारंटी करते हैं कि अगर हम ऐसा कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन के तैयार नहीं होगा जिसके अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। हाँ और सारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट यही था कि ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए जिसमें कि हमारे रिक्वायर्ड मेथड मने बना के दिया नहीं गया है, हमारे केस में गेट टैक्स नाम का मेथड, ठीक है। यही पॉइंट्स हैं, ये नोट करने लायक है। अच्छा। अब देखो क्या होता है, ये जो पिछला क्लास था इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने बना ही दिया था, ठीक। यहां पे सिंपली आके हम अगर लिख दें एब्सटेंस प्रोडक्ट अब जो टैक्स कैलकुलेटर हम लोगों ने बनाया था, तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। देखो, प्रोडक्ट एरे प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू
500 ml, प्राइस 20, इसका चार बॉटल खरीदा। सेकंड इसी में हम जो है पॉक भी बेच लेंगे, फॉग न्यू या वॉट एवर, इसका प्राइस है 20 रुपया। इसका दो बॉटल या वॉट एवर, अब देखो डबल टोटल टैक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन प्रोडक्ट। तो मान लो कि हमको टैक्स में इसको हमने प्लस कर दिया, टोटल टैक्स प्लस इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट गेट टैक्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन प्रोडक्ट टोटल टैक्स। का 8 हो गया और टोटल टैक्स जो है 28 आया, क्योंकि इसका 10 रुपया था। इसमें भी प्रिंट करा देते हैं, हेलो।